गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विवास लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से हम लोग भी अच्छे हैं। कल का हम व्रत है तो आज खाना खाने का दाल चावल नहीं मन करता, कुछ चटपटा खाने का है। तो अभी जा रहे हैं बनाने कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी और आलू का सूखी सब्जी। आलू रख दिए हैं उबलने के लिए, अभी यहाँ उबल रहा है, मेरा उबल गया है, गैस बंद कर दिए हैं हम। अब चल रहे हैं खस्ता कचौड़ी का आटा लगाने, उसके बाद नहाएंगे तब बनाएंगे। आटा लगा के रख देंगे, ये थोड़ा सा फूलेगा आटा थोड़ी देर। तो इसमें पहले जो है आटा, उसमें नमक डालेंगे, उसके बाद थोड़ी सी कलौंजी मंगरैल, बहुत लोग मंगरैल कलौंजी जो भी बोले। और उसके बाद इसमें इसको पहले अच्छे से आटा में मिला देंगे, फिर इसमें रिफाइंड अच्छे से इसको मयन देंगे खस्ता के लिए। व्रत के दूसरे दिन कुछ एकदम अच्छा सा चटपटा खाने का मन करता है। अभी देखिए एकदम बढ़िया हो गया। अब इतना नहीं डालना है कि मतलब लड्डू बने, वो ज्यादा ही कुछ हो जाएगा, तो ये इतना सही है कचौड़ी के लिए। ये आटा है, मैदा नहीं है, आटे का है। अब इसमें पानी डाल के इसको गूथ लेंगे। ये कड़ा आटा इसका लगाएंगे, ढीला आटा इसका नहीं लगता। मेरा आटा हो गया, अब इसके ऊपर से थोड़ा सा रिफाइंड लगा के छोड़ देंगे इसको। ये मेरा आटा हो गया तैयार, अब इसको थोड़ा देर रख देंगे, ये उसके बाद बनाएंगे इसका कचौड़ी। मेरा आलू हो गया है, अब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको छीलेंगे। अभी हम नहा के आ गए, अब चल रहे हैं बनाने, सब्जी फ्राई करेंगे। आलू हम छील लिए हैं, अभी इसमें से जो छोटा छोटा है एकदम उसको छोड़ देंगे और जो बड़ा है उसको दो दो पीस में काट देंगे। ये मेरा ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें तेज पत्ता, तेज पत्ता हो गया। अब इसमें जीरा, जीरा थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा राई, और ये लहसुन और मिर्ची, हरा लहसुन हरा मिर्ची, मिर्ची और लहसुन हो गया। अब इसमें प्याज, अभी देखिए प्याज हो गया, अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर थोड़ा ज्यादा मात्रा में है, खट्टा अच्छा लगता है आलू टमाटर। नमक, ये आलू जो बड़ा बड़ा है उसको दो भाग में कर देंगे। अब ये देखिए मेरा टमाटर गल चुका है, अब इसको एकदम नहीं गलाना है, थोड़ा सा वो रहेगा तभी, क्योंकि ये मसाला के साथ भी बनाएगा, इसमें पानी तो पड़ेगा नहीं, तो मसाला अब इसमें डालेंगे। ये थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा
सब्जी मसाला और ये थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर अब इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे ऐसे। इसमें बहुत हल्का सा पानी डालेंगे, बस थोड़ा सा। अब इसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये इसमें जो हम सब्जी मसाला और सूखा मसाला सब डाले हैं वो थोड़ा सा पानी लेके उस फूलेगा, उसके बाद भुनाएगा तो उसका फ्लेवर थोड़ा और अच्छा आएगा, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के भून लेंगे इसको। अभी अब देखिए ये मेरा भुना गया है, अब इसमें ये आलू डाल देंगे थोड़ा सा, आंच को कम कर देंगे क्योंकि बहुत मेरा हाई फ्लेम पे था, तो थोड़ा मीडियम में करेंगे इसको। मीडियम आंच पे पकाएंगे तो ये इसमें पानी तो है नहीं, तो आलू में अच्छे से मसाला मसाला का फ्लेवर जो है वो आलू में अच्छे से भीगेगा। अभी इसको ढक देंगे, तब से अपना आटा बना लेते हैं। ये छोटा छोटा पेड़ा बनाने के बाद तब ऐसे आराम रहता है बेलने में, एक साथ बना लेंगे तो ये थोड़ा मोटा मोटा ही रहता है कचौड़ी, तो थोड़ा सा इसका बड़ा बड़ा ही लेंगे। चलिए देखते हैं मेरे सब्जी का क्या हाल है। मसाला में पानी डालने के बाद आलू डाल देंगे तो देखिए थोड़ा सा जूसी टाइप में हो जाता है, तो ये अच्छा रहेगा। अब इसमें धनिया डाल देंगे, ये हो गया मेरा सब्जी तैयार। अब चल रहे हैं कचौड़ी छानने, मेरा पेड़ा भी पूरा बन के तैयार हो गया है, बस अब फटाफट हो जाएगा। बेलते टाइम इसमें आटा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा रिफाइंड, बस इसको इतना ही मोटा बनाएंगे, इतना मोटा। मीडियम आंच पे ही इसको छानेंगे, क्योंकि तेज आंच में डालेंगे तो ये थोड़ा मोटा है, पक नहीं पाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो इसको तेज आंच पे नहीं छानेंगे। ये देखिए मेरा हो गया कचौड़ी, अब इसको निकाल लेंगे। ये देखिए मेरा कचौड़ी तैयार हो गया, एकदम खस्ता कचौड़ी है, क्योंकि हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। एकदम करारा करारा कचौड़ी तैयार हो गया। ये देखिए मेरा खाना बन के तैयार हो गया, अब जा रहे हैं किट्टू को खाना देने, उसको भूख लगा है खाने के लिए, और अभी और हम ये निकाल लेंगे, उसके बाद हम खाएंगे। हम दोपहर में खा के सो गए, फिर उठे तो चले गए जुम्बा क्लास। अभी फिर वहां से आए तो ले आना था सब्जी, पालक और हरा धनिया मटर वटर, तो वहीं सब लेने चले गए। अभी लेकर आए हैं, वहीं सब्जी निकाल रहे हैं। मिर्चा, हरा मिर्चा कितना महंगा हो गया, 35 रुपया पाव, सोचो इतना महंगाई मिर्ची पे आ गया। तीखा खाना सब लोग छोड़ दो। ये देखिए धनिया 10 में 3 फूलेकर आए, उसको घर जाना था, शाम को गए उसको घर जाना था, तो बोले कि ले लीजिए 10 में 3 है, तो हम बोले दे दो, 10 में 3 लेकर आए। मटर
मटर थोड़ा सस्ता मिला 25 रुपया किलो। इसमें है टमाटर, प्याज। प्याज तो 40 रुपए से कम हो ही नहीं रहा है, पता नहीं कब ये प्याज का भाव गिरेगा। तो इतना सारा मार्केटिंग करके आए हम लेकर के सब सब्जी। पानी आ रहा है, चल रहे हैं अभी पानी भरने। तो अभी पानी भरेंगे, फिर उसके बाद किट्टू गया है ट्यूशन, आएगा तो देखेंगे क्या खाना। हम लोग का वही पूड़ी सब्जी था, वही खाए थे दोपहर में भी, वही खाए पूड़ी, बाद में फिर बनाए, नाश्ते भर का बना लिए थे, फिर दोपहर में भी वही बनाए, तो हम लोग पूड़ी सब्जी ही खाए। और अब इस टाइम कुछ हल्का फुल्का भोजन बनाएंगे, खिचड़ी विचड़ी। तो ये था मेरा आज दिन भर का ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और व्रत के बाद अगर ऐसा कचौड़ी और सब्जी मिल जाए खाने को, मजा आ जाए, सोने पे सुहागा हो जाए, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग जरूर बनाइएगा, बना के देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और जो नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, जो नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।